وقال عز من قائل ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. انتهائي قابل قدر لائق عزت تکریم سامعین محترم, اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق, اللہ مالک الملک نے مٹی سے بنائی اور مٹی سے ہی بنائیں گے. اس مٹی سے بنا ہوا انسان اپنی جسمانی خوراک کا حصول بھی مٹی سے ہی کرتا ہے. اس خاکی جسم کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ایک روح کو بھیجا, اور اس روح کی خوراک کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کیا. میں اور آپ اپنے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا خالق و مالک ہمارے متعلق جانتا ہے. جب اللہ مالک الملک ہمارے متعلق زیادہ جانتے ہیں تو پھر اس کے فرامین اور اس کے نازل شدہ اصول و قوانین ہی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں. تکبر کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کی ہلاکتیں کیا ہیں, اور ایک مسلمان تکبر سے کس طرح بچ سکتا ہے, آج ہماری گفتگو کا محور یہ چند نکات ہیں. الکبر جس کا مطلب ہے تکبر کرنا, مغرور ہونا. تکابر الرجل, اگر یہ لفظ استعمال کیا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بلند مرتبہ اور بڑا ظاہر کرنا. کبر علیہ الامر, کام کا دشوار ہونا, مشکل ہونا. جو شخص اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتا ہے, اور یہ مشکل دنیاوی نہیں بلکہ اخروی مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا. کبر الرجل, مخالفت کرنا اور دشمنی کرنا. جس شخص کے اندر تکبر آ جاتا ہے حقیقت میں وہ خود بھی لوگوں کی مخالفت کرتا ہے اور دشمنی کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لیتا ہے, اور لوگ بھی اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے. تکبر بطر الحق وغمط الناس, حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا, یہ تکبر ہے. غزالی بیان کرتے ہیں الکبر هو استعظام النفس ورؤیت قدرها فوق قدر الغیر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور جو حیثیت ہے اس کو لوگوں پر فائق ثابت کرنے کی کوشش کرنا. اور کچھ علماء نے تکبر کی تعریف کو یوں بیان کیا ہے جہل الانسان بنفسه, ایک شخص اپنے آپ سے ہی جاہل ہو کہ میں کیا ہوں. وَإِنزَالُهَا فَوْقَ مَنْزِلِهَا,
और अपने आप की कदर व मंजिलत तय करने में गलती कर जाए और उतना मुकाम दे बैठे जितना उसका है नहीं। अल्लाह मालिकुल मुल्क ने जितना किसी को मुकाम दिया है, जितना किसी को इल्म दिया है, जितनी किसी को हैसियत दी है, उतने में अगर इंसान रहता है तो अल्लाह की रहमत के नीचे रहता है। जब उसके अंदर तकब्बुर आए, जो कि हकीकत में एक शैतानी वसवसा है और शैतानी एक रवैया है, तो फिर इंसान बहुत सारी गलतियां कर बैठता है। गलती इंसान चार वजूहात की बुनियाद पे करता है। सबसे पहली वजह, जब इंसान शैतान को दुश्मन नहीं समझता, उसके वसों में आ जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस दुश्मन की निशानदेही की है, फरमाया إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير। लोगो, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसको दुश्मन ही समझो। इसकी तो पुकार ही एक है कि मैंने तो जहन्नम में जाना है, तुम्हें भी लेके जाऊंगा। ये बात सुनते हुए कुछ 50 लोग, बड़ा मुहतात अंदाजा है, 50 लोग आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला और दीगर अज़कार को मामूल बना लेते हैं और इसके वसवसों से बच जाते हैं, और 50 तो इन्हीं वसवसों में घायल हो जाते हैं। जो बच गए 50 लोग, उनके सामने एक और दुश्मन आता है जिसके नतीजे में इंसान गलती करता है। वो कौन सा दुश्मन है कि किसी इंसान को भूल हो जाए, सब हकीकत देखने के बावजूद भी समझ ले कि ये दुनिया हकीकी जिंदगी है, बस इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। जब इस दुनिया की रंगीनी में अपने आप को डाल ले तो फिर वो इंसान गुनाहों से नहीं बच सकता। इसलिए मालिकुल मुल्क ने फरमाया فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور। दुनिया की रंगीनी तुम्हें धोखे में न डाले। ये बात जरूरी है कि इंसान दुनिया के बगैर जिंदा तो नहीं रह सकता। वला तंस नसीबक मिन दुनिया, दुनिया के हिस्से को मत भूलिए। वाहसिन कमा अहसन अल्लाह इलैक, लेकिन एहसान करो जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ एहसान किया। इसकी सादा सी मिसाल यह है, कश्ती पानी में चलती है और पानी ये दुनिया है, कश्ती इंसान ने अल्लाह की इबादत और दीन की चलानी है, लेकिन पानी में अगर तुगयानी आए तो कश्ती डोलने लग जाती है। जब इंसान दुनिया में इतना धुत हो जाए कि पानी की ज्यादती की तरह उसका पलड़ा भारी हो जाए दीन पे, तो उसकी ईमानी कश्ती भी डोलने लग जाती है। और अगर पानी इतना ज्यादा हो जाए कि कश्ती के अंदर आ जाए, तो कश्ती अकेली नहीं डूबती, मल्लाह भी डूब जाया करते। जब दीन पे दुनिया का इस अंदाज से गलबा हो जाए कि उस गलबे की बुनियाद पे नमाज भी याद ना रहे, अल्लाह के सामने झुकना भी याद ना रहे, तो उसके ईमानी कश्ती डूब जाती है। कुछ 25 लोग इस हकीकत को भी समझते हैं कि वाकई दुनिया फानी है, बाकी जो है इसी रौ में बह जाते हैं। इन बचने वालों के सामने एक तीसरा दुश्मन आता है जो गुनाह पे उकसाता है, और ये एक ऐसा दुश्मन है कि जिसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है।
वो इंसान का अपना नफ्स है जो बुराई की तरफ इंसान को बुलाता है। जब किसी से कह दिया जाए कि तुम अल्लाह से डरो, वो गुस्सा कर लेता है कि मेरे अंदर गलती। अपने अंदर गलती को ना मानना भी बहुत बड़ी गलती है। وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے نفس کی شرارت سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ شکل ابن حمید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطانی وسوسوں سے تو بچا جا سکتا ہے، آپ نے طریقہ بتا دیا، دنیا میں بھی دل نہیں لگاتے، انسان اپنی شرارتوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ میری سماعت کی شر سے مجھے بچا دے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من شر عینی، اللہ میری آنکھ کی شر سے مجھے بچا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ لِسَانِ، اے اللہ میری زبان کی شر سے مجھے بچا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ قَلْبِ، اے اللہ میرے دل کی شر سے مجھے محفوظ فرمانے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَنِيِّ، اے اللہ میری قوت باہ طاقت کی شر سے مجھے بچا دے۔ جب انسان اس طرح کی دعائیں یاد کر لیتا ہے تو پھر مولا کریم کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے اور اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آخری سبب جس سے انسان گناہ کرتا ہے، کتنے کو لوگ بچے ہوں گے ان تین شکنجوں سے؟ بہت پختگی جن کے اندر ہوتی ہے عبادات میں، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، اگر ان کو یہ بیماری لگ جائے جو کینسر کی بیماری ہے کہ وہ اپنی رائے اور اپنی خواہش کے غلام بن جائیں، علم ہونے کے باوجود بھی امت اسلامیہ کا بیشتر حصہ اس بیماری میں مبتلا ہو کے ہی گناہ کرتا ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ کون سا سبب ہے کہ انسان باوجود علم ہونے کے بھی قرآن و سنت کے دلائل کی پرواہ نہ کرے، اپنی رائے کی پرواہ کرے اور کہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ جانتے ہیں ان لوگوں کو، اَفَرَائِتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَا، کیا خیال ہے اس کے بارے میں جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، علم کے باوجود وہ گمراہی کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کسی کو نفس کا غلام نہ بنائے، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی عقل اور رائے کا غلام نہ بنائے۔ جو اس کا اسیر بن جاتا ہے جب تک وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، سچی توبہ نہیں کرتا، وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اور یہ گناہ ایسا ہے، جو انسان اس کنجے میں آ جاتا ہے وہ گناہ کو گناہ سمجھتا بھی نہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، جس کے لیے برائی کو مزین کر دیا جائے وہ بھی توبہ کرے گا، وہ تو نیکی سمجھ کے برائی کرے گا،
अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। आमीन। तकब्बुर हकीकत में इन चारों चीजों को सामने रखिए, किसी भी शिकंजे में आ जाए इंसान तकब्बुर करने लग जाता। और तकब्बुर के बुनियादी तौर पर तीन सबब हैं। सबबुन फिल मुतकब्बिर वहुवा अलउजब, तकब्बुर करने वाले में एक ऐसा दाइया पैदा हो जाता है कि मेरे जैसा को है ही नहीं, मेरे जैसा को है ही नहीं। ये उजब की बीमारी जब आ जाए तो फिर इंसान तकब्बुर से नहीं बच सकता। हालांकि हकीकत यह है, इब्न जमा बयान करते हैं, तकब्बुर या इंसान को इलम की वजह से होता है कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, किसी को माल की वजह से होता है मेरे पास बड़ा माल है, किसी को हुसन की वजह से होता है, खानदानी जाहो जलाल की वजह से होता है, या किसी मनसब की वजह से होता है। ये सारी के सारी राहें शैतानी राहें हैं। शैतान था जिसने सबसे पहले इस बात का नारा लगाया, मैं अच्छा हूं। قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين। आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया गया कि सजदा करो, इबलीस ने क्या कहा, انا خير منه, मैं इससे बेहतर हूं। आग का वस्फ है, आग की चंगारियां आसमान की तरफ उठती हैं, आग जो है वो ऊपर को उठती है, उसके शोले मट्टी तो जमीन जो है वो इंसान के पांव तले होती है, मैं बेहतर हूं। इस तकब्बुर ने उस शैतान को अल्लाह सुबहाना व तआला की रहमत से दूर कर दिया। कारून जिसने ये लफ्ज बोले थे, قال انما اوتيته على علم عندي, ये मेरे इल्म की बदौलत मेरे पास खजाने आए। अल्लाह मालिकुल मुल्क ने उन खजानों को क्या किया फिर, فخسفنا به وبداره الارض فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ। अल्लाह ने कारून को भी धनसा दिया और उसके खजानों को भी धनसा दिया। अगर जाहो मनसब पे इंसान को घुमंड होता है, फख्र होता है, तकब्बुर करता है कि मेरा खानदान बड़ा है, अबू जहल किस खानदान से था, सहाबे किराम ने पाए हकारत से ठोकरें मार मार के कलीबे बदर में फेंक दिया, कुछ चेहरा नहीं देख सका, कहां गया तकब्बुर। वो फिरऔन जो अना रब्बुकुमुल अला के नारे लगाता कि मैं हूं तुम्हारा रब, अल्लाह मालिकुल मुल्क ने पानी को हुक्म दिया और अल्लाह मालिकुल मुल्क ने सिर्फ उसको इबरत नहीं बनाया बल्कि दुनिया को दिखा भी दिया। فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, हुक्म दिया पानी को, पानी ने उठा के बाहर फेंक दिया। फिर वो जो अपने आप को रब कहने वाला था, वो दुनिया को किस अंदाज से नजर आया कि ये था अपने आप को रब कहने वाला। इंसान जब उजब में आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, फिर ये तकब्बुर से नहीं बच सकता। इब्न जमा इसलिए कहा करते थे, अल इल्म सलासतु अशबार, अगर किसी को इल्म की बुनियाद पे तकब्बुर हो जाए कि मेरे जैसी किसी के पास डिग्री नहीं है, मेरे जैसा कोई इलम वाला ही नहीं है, मेरे जैसे तजुर्बात ही किसी के नहीं है। अल इल्म सलासतु अशबार, इलम तीन बलिश्तों का नाम है। मन दखल फी शिब्र अल्अव्वल तकब्बर, जो पहली सीढ़ी इलम की चढ़ता है, पहली बलिश्त
हासिल करता है उसमें तकब्बुर आता है। وَمَنْ دَقَلَ فِي الشِّبْرِ السَّانِي تَوَاضَعَ, और जिसको दूसरी बलिश्त में जाने का मौका मिलता है उसमें तवाज़ु आ जाती है। وَمَنْ دَقَلَ فِي الشِّبْرِ السَّالِسِ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ, और जो इल्म के आखिरी दरजात में पहुंचता है उसको फिर यकीन हो जाता है कि मुझे कुछ नहीं आता, लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हम ये समझते हैं कि तकब्बुर करने से ये समझ आएगी कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, नहीं, तवाज़ो तो फिर भी ये दरमियाना दर्जा है। जब इंसान इस सीढ़ी पे पहुंचता है फलां मुझसे काबिल है, फलां को अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, फलां को अल्लाह ताला ने बड़ी फहम व बसीरत से नवाजा है, फिर जाके इंसान की हकीकत सामने आती है। अल्लाह मालिकुल मुल्क हमें तकब्बुर से महफूज फरमाए। सबबुन फिल मुतकब्बर अलै, इंसान किसी के साथ तकब्बुर का बर्ताव क्यों करता है, उसका सबब यह होता है अल हसदु वल हिक्दु वल गज़बु। जब किसी से इंसान को हसद होता है, जब इंसान के दिल में गजब होता है, तो ये हसद और बुग्ज की आग फिर तकब्बुर के जरिए निकालता है, सामने अकड़ के चलेगा, मुंह फुला फुला के बातें करेगा, मुख्तलिफ किस्म के अंदाज अपनाएगा ताकि मेरी फौकियत जाहिर हो, ये साबित हो कि मैं तुझसे आला हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सारे के सारे आदम की औलाद हो। वो आदम खुलिक मिन तुराब, और आदम को मट्टी से पैदा किया गया है, किसी को कोई फजीलत नहीं है। अगर फजीलत हो सकती है अल्लाह के हाँ तो वो तकवे की बुनियाद पे हो सकती है। मोहम्मद बिन मुनकदर की बात शायद मेरे और आपके दिल में घर कर जाए। अहले मदीना कहत साली का शिकार हैं और बाहर निकल के दुआ कर रहे हैं। अशराफ बड़े बड़े खानदान, क्या हुआ, दुआ की है लेकिन दुआ करने के बावजूद बारिश नहीं आई। उसके मुकाबले में मोहम्मद बिन मुनकदर फरमाते हैं वो शख्स जो जूतियां बनाने वाला है, जिसको हम आज मोची कह के स्कोन समझते हैं, हकीर समझते हैं, इसकी क्या हैसियत है, न जाने वो हम सबसे अफजल हो ईमान के एतबार से। बहुत सारे सहाबा मौजूद थे लेकिन मेयार अल्लाह के यहाँ कुछ और है। मेयार अल्लाह के यहाँ ये है कि रंग था काला ही बिलाल का, होंठ भी मोटे मोटे थे, न जाने कैसी जूती पहनते थे वो, लेकिन चलते जमीन पे थे, उसके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। अल्लाह के यहाँ ये मेयार है। वो शख्स उठता है काम फतवद्दअ फअहसनल वुदू, उसने वजू किया, वजू बना के किया, सुम्मा सल्ला रकअतैन, फिर दो रकतें पढ़ीं, सुम्मा तरबअ, फिर वो बैठ गया, हाथ उन्होंने भी उठाए थे, हाथ इसने भी उठा लिए, आसमान की तरफ नजरें उठा के कहता है रब्बा रब्बा इन्नी उक्सिमु अलैक, ऐ मेरे पालनहार मैं तुझ पे कसम डालता हूं मुसलमानों को बारिश की जरूरत है। मोहम्मद बिन मुनकदर फरमाते हैं अशराफ ने दुआ मांगी लेकिन अल्लाह ने उस वक्त कबूल नहीं की। ये जूतियां बनाने वाला उठ के दुआ करता है, उसके हाथ अभी नीचे नहीं आए थे, हाथों पे बारिश नाजिल हो गई। अल्लाह मालिकुल मुल्क के नजदीक ये खानदानी वजाहतों की कोई हकीकत नहीं है। इन अकरमकुम इंदल्लाह यत्काकुम, अल्लाह के हाँ तो तकवे की कीमत है। وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ये तो तारुफ के लिए है खानदान, हम समझ बैठे हैं लितफाखरु, ये फख्र के लिए है, ये हमारी गलती है, इसकी इस्लाह भी हमें ही करनी है। जब हसद हो के फलां क्या है, जब गजब हो के फलां को मैं क्या समझता हूँ, तो फिर इंसान तकब्बुर पे उतरता है। और बसा औकात तकब्बुर का तीसरा सबब सबबुन फीमा यतअल्लक लिगैरिहिमा वहुवर्रिया, इंसान दिखलावे के लिए
रियाकारी के लिए तकब्बुर करता है और इस अंदाज से चलेगा, इस अंदाज से बात करेगा, इस अंदाज से आमाल पेश करेगा कि उसकी फौकियत साबित हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात समझाई है, फरमाया इन्नल्लाहा युहिब्बुल अब्द अत्तकीयल गनीयल खफी, अल्लाह पसंद करते हैं जो मुत्तकी हो, जो दिल का गनी हो, जो अलखफी लोग उसको जानते ही ना हो, वो अपने आप को जाहिर करने को पसंद ना करता हो। मुसलमानों को शायद क्या हो गया है, ये समझते हैं कि जब तक हमारी शोहरत ना हो उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। महबूब इलाही बनने के लिए जरूरी नहीं है कि शोहरत हो, महबूब इलाही बनने के लिए जो वस बयान किया है तकवा पहली बुनियाद है, और फिर उबूदियत में आगे हो, फिर वो शख्स जिस हाल में भी है उसको अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। और ये कोई ऐब भी नहीं है कि किसी बड़े आदमी की गुमनामी, लैसल खमूलु बिआरिन आलमरी इन्जी जलाली फलैलतुल क़द्र तख़्फ़ा फतिल्का खैरुल लयाली, किसी आलिम का, किसी बड़ी शख्सियत का गुमनाम होना ऐब नहीं है। अगर छुपा होना ऐब होता तो लैलतुल क़द्र ऐब वाली होती, किसी को कुछ पता नहीं किस रात को लैलतुल क़द्र होगी, लेकिन 1000 कितने महीनों से अफजल है, खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से अफजल वो रात है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं कौन सी रात है। तकब्बुर, अल्लाह हम सबको इससे महफूज फरमाए। तकब्बुर की 3 किस्में हैं, अत्तकब्बुर अल्किबर अला अल्लाह सुभानहु व तआला, फिरौन ने अल्लाह पे तकब्बुर किया, अल्किबर अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल पे तकब्बुर किया कुफार मक्का ने, अल्किबर अला अलइबाद आम इंसानियत पे अपनी फौकियत साबित करना और तकब्बुर करना, इन तीनों की तीनों किस्में, तीनों के तीनों सबब और तीनों के तीनों दराजात जो हैं, ये सारी की सारी किस्में तकब्बुर की मंबा शकावा व दलाला, ये बदबख्ती की राहें हैं, ये गुमराही की राहें हैं। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। और इंसान के तकब्बुर का इजहार कैसे होता है, 3 वजहों से। अयकून अल-किबर मुस्तकिरन फी कल्बी, कुछ ऐसे बदबख्त और बदनसीब होते हैं उनके दिल में उजब और तकब्बुर होता है, उनके सामने किसी इंसान की कोई कदर व कीमत नहीं है, बड़ा हो या छोटा हो उसकी आंखों के सामने किसी की अजमत है ही नहीं, ना उसको दीन से कोई गर्ज है, ना उसको दुनिया से कोई गर्ज है, उसके अंदर बहीमियत जो आ जाती है, हैवानियत का ये वस्फ आता है, वो किसी इंसान को लायक इतना समझते ही नहीं है। और अल्लाह सुबहाना व ताला मुआफ फरमाए, ये मोमिनों का शेवा है ही नहीं, ये सिर्फ आती है तो काफिरों में होती है। तकब्बुर का इजहार दूसरी तरह इस तरह किया जाता है, अय्यज़हर अल-किबरा बिलिसानिही कद्दआवी अल-मुफाखिरा व तज़कियतिन-नफ्स, बंदा अपनी जुबान से बसों का इजहार करता है बड़े बड़े फखरिया कलिमात, मैं क्या समझता हूँ, और मेरे सामने उसकी हैसियत क्या है, और मैं जानता हूँ उसकी कदर व कीमत कितनी है, या अपना तज़किया बयान करेगा कि मेरे जैसा भी कोई है नेक, और देखा है फलां कितना नेक है, जबकि खालिक व मालिक ने अपने प्यारे पैगंबर को हुक्म क्या दिया, सरताज रसूल तुम्हें बनाया है, तेरे जैसी हस्ती मैंने पैदा ही नहीं की, न क़यामत तक पैदा हो सकेगी, लेकिन फरमाया واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين, ये सहाबा ये मोमिन इनके सामने अपने परों को झुका दो,
इनके सामने तवाज़ो इख्तियार करना। किसको हुक्म है सरताज रसूल को, जिस जैसी हस्ती अल्लाह ने पैदा ही नहीं की। और यहाँ रुक के मैं ये बात कह दूँ, अल्लाह मुझे और आपको महफूज फरमाए, हम भी भूल जाते हैं, हम भी समझते हैं कि हम बड़ी चीज़ बन गए हैं, बड़ा हमारे पास इलम आ गया है, हमें बड़ी ताकत मिल गई है, हमारे पास बड़ा माल आ गया है। ये सारी की सारी नेमतें हैं कब, जब अल्लाह के हुक्म के ताबे कर ली जाएं। लेकिन जब अल्लाह के हुक्म के ताबे नहीं, तो ये सारी की सारी मुसीबतें बन जाती हैं। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है कुरैश के बड़े लोगों के साथ। अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम तशरीफ लाए, आपने नागवारी महसूस की। कोई मकसद नहीं था उन सरदारों से, मकसद ये था तमा फी इस्लामिहिम, जो सही बुखारी की रिवायत बताती है, उनके इस्लाम का तमा था कि इस्लाम कबूल कर लें, इनके बित्तबा बाकी लोग भी मुसलमान हो जाएंगे। सरताज रसूल ने नागवारी महसूस की, खालिक और मालिक को यह बात पसंद नहीं आई। फरमाया आबसा वतवल्ला अंजाहु अलअमा वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफअहु अज़्ज़िक्रा। इस नागवारी को अल्लाह मालिकुल मुल्क ने कुरान बना के बयान कर दिया। जब ये आयात नाजिल हुई अल्लाह की तरफ से, प्यारे पैगंबर की तरफ ये इल्का हुआ, सोचिए कि खालिक और मालिक ने सरजनश की अपने प्यारे पैगंबर को। अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन आए, तो आपने नागवारी महसूस क्यों की है? ये तो दीन लेने आया था। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़का, ये नहीं, अगर काफिर और मुशरिक मानेंगे तो आप पे तो इल्ज़ाम ही कोई नहीं है। इन अलैका इल्ला अल-बलाग, आपका काम तो पहुँचाना है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप कोई दरोगे तो नहीं है। इन अंता इल्ला नज़ीर, आपका काम तो डराना है। लअल्लका बाख़िउ नफ्सका अला आसारिहिम, इनके पीछे अपने आप को हलाक कर बैठेंगे। फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, हसरते करते करते अपनी जान मार लेंगे। ये सारी बातें अल्लाह ने समझाई। लेकिन इस अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम के आने पर जब नागवारी महसूस की, तो कुरान बना दिया। चुनाचे जब अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम दोबारा आए, सरताज रसूल खड़े हो गए, कहते हैं मरहबन बिमन आतबनी फी रब्बी, मैं उस शख्सियत के लिए खुश आमदेद कहता हूँ जिसकी वजह से मेरे रब ने मुझे झिड़का है, मुझे मुआतिबत की है। और तेरा मरतबा अपने मुसल्ला का नायब बनाया कि मैं ना हूं तो अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम मुसलमानों को नमाज पढ़ाएंगे। आज मैं और आप भी सोचें, आज मेरी और आपकी कैफियत क्या है? हम ये समझते हैं कि फलां की कीमत नहीं है। मेरे भाइयों, पता नहीं उसकी जितनी कीमत हो, हमारी उतनी हो ही ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए जो कुरान बयान करता है, वस्बिर नफ्सक मअ अल्लज़ीना यदउन रब्बहुम बिलगदाति वलअशी يريدون وجهه واصبر, सबर करो उन लोगों के साथ जो दिन रात अल्लाह को ही पुकारने वाले हैं। ये कमजोर होना, ताकतवर होना, ये अल्लाह के यहाँ है। दुनिया में कोई मेयार नहीं है, दुनिया में मेयार कोई नहीं है। दुनिया के अपने अपने मेयारात हैं, अल्लाह के यहाँ मेयार सिर्फ है तो तकवे का मेयार है। इसलिए फखरिया कलिमात बोलना या दावे करना या अपना तज़किया बयान करना, ये फ़ख्र है, तकब्बुर है। फला तुज़क्कू अन्फुसकुम हुव अअलमु बिमन इत्तक़ा, अपने मुँह मियाँ मिठ्ठू ना बनो। अल्लाह जानता है कौन पाकीज़ा है, किसका तज़किया है, कौन तरबियत याफ्ता है। मेरे कहने से मैं नहीं बन सकता कि मैं बड़ा पाक दामन हूँ, वो रब जानता है। और याद रखना, ये बदाम है,
ये अखरोट है, इसका छिलका कयामत को उतरेगा अंदर से, तब पता चलेगा कि इसका जो गूदा है, जो लुब है, वो जला हुआ है कि साबित है। ये कयामत को पता चलेगा। लेकिन इसकी परवरिश करनी है तो तकब्बुर से दूर हो के हो सकती है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तीसरा इजहार इंसान तकब्बुर का उस वक़्त करता है, यज़हर अल-किबर बिअफ़आलिही मिन अत-तरफ़ु फिल मजालिस वत्तक़द्दुम अला अल-अक़रान वल-इनकार अला मन युक़स्सिरु फी हक़्क़िही। इंसान जब किसी मजलिस में बैठा हो तो ख़ास ये पैदा हो कि मैं किसी ऐसी जगह बैठूँ कि मैं सबसे फाइक नजर आऊँ, अगर कोई बात कह दे तो वहाँ लाल पीला हो जाए कि हाँ हाँ इसने मेरी शख्सियत पे ये बात की क्यों है। अरे मैं और आप हैं कौन, जरा अपनी पहचान तो करें। सरताज रसूल को तो दीवाना भी कहा गया, सरताज रसूल को तो जादूगर कहा गया, पागल कहा गया। और कुरान मजीद की इस आयत का तर्जमा घर बैठ के पढ़िएगा, सोचिएगा इसका माना क्या है। नून वल-क़लम वमा यस्तुरून मा अन्त बिनिअमति रब्बिका बिमजनून वइन لك لأجرا غير ممنون। अल्लाह ने कसम इस्तेमाल की और साथ कह दिया आप अल्लाह की नेमत से खुश रहें, आप दीवाने नहीं हैं। सफाई अल्लाह ने पेश कर दी, जब आप दीवाने नहीं हैं सारी दुनिया भी कह दे तो परेशानी किस बात की है। कोई तुम्हें कुछ भी कह दे, जब तुम अल्लाह के हाँ दुरुस्त हो तो किसी के कहने से तो खराबी नहीं हो सकती। साथ एक लफ्ज अल्लाह सुभानहु व तआला ने बयान किए हैं, वइन्ना लकल अजरन गैर ममनून। बात तो हो रही थी कि सरताज रसूल आप दीवाने नहीं हैं, अजर आपको बेहिसाब मिलेगा, अनलिमिटेड। किस बात का? मुफस्सरीन लिखते हैं एक नेकी का अजर होता है, एक नेकी करते हुए जो तानो तशनी होती है उस पर सब्र करने का, मुसीबतों पे सब्र करने का अजर अलग है। अल्लाह मालिकुल मुल्क ने खुशखबरी दी है, दीवाना तुम्हें कहते हैं, पहली बात यह है कि तुम दीवाने नहीं हो, दूसरी बात यह है कि नेकियां तो जो हैं ही हैं, इस बात पे सब्र की वजह से अनलिमिटेड अजर तुम्हें देता हूं मैं। आज ये बात मुझे और आपको समझ आ जाए तो हम किसी की बात पे लाल पीले ना हों। सरताज रसूल के घर वालों पे तोहमत लगी, और सही उल जामे की रिवायत तो पढ़ के देखिए कि उन जालिमों ने, मुशरिकीन ने यहां तक कह दिया कि तुम हलाल की औलाद ही नहीं हो। अल्लाह के रसूल को यह कहना पड़ा, बोले तुम निकाह ला मिन सिफाह मिल्लतुन आदम, मैं निकाह से पैदा हुआ हूं, मैं सिफाह से पैदा नहीं हुआ, और आदम से लेके मेरे बाप तक मेरा नसबनामा पाक साफ है। सरताज रसूल को यहां तक कहा गया, फमिनहुम मन सब्बहू, किसी ने गालियां दी, वमिनहुम मन हसा अलैहि तुराब, किसी ने मट्टी फेंकी, फमिनहुम मन तफला फी वजही, किसी ने सामने खड़े होके चेहरा अनवर की तरफ थूक दिया। लेकिन सरताज रसूल ने इस बात को महसूस नहीं किया, क्यों? वो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए काम करते थे, उनकी कोई गर्ज नहीं थी। वो समझते थे इज्जतों का मालिक अल्लाह है, लोगों की बातों से इज्जत में कमी नहीं आती, इसलिए तकब्बुर नहीं किया। ना उम्मत को इस बात का दर्स दिया है, ना सबक दिया है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह, जो तवाज़ो इख्तियार करता है अल्लाह के भी वादे हैं अल्लाह उसको बुलंदियां देते हैं। और याद रखना, जिस दरख्त पे फल लग जाता है उसकी टहनियां झुक जाती हैं, लोग फल जो है वो चुन लेते हैं, खा लेते हैं, और जिस दरख्त को फल नहीं लगता उसकी टहनियां झुकती नहीं हैं, और जितना फल ज्यादा पका होता है पत्थर भी उतने ज्यादा पड़ते हैं।
لكن كن كالشجرة يرمى إليها الأحجار وترمي إليهم الأسمار. اگر دلائل سمجھ میں نہیں آتے تو درخت کی شان کوئی سمجھ لو، درخت ہی بن جاؤ. جب پھل پک جاتا ہے پتہ ہے کتنے پتھر پڑتے ہیں، لوگ پتھر پھینکتے ہیں وہ اس کے جواب میں پھل پھینکتا ہے، ایسا درخت بنی ہے. تب جا کے انسان کی عظمت اور قدر و منزلت اللہ کے ہاں بنتی ہے. انظر الى حسن صبر الشمع يظهر للرائين نورا وفيه النار تستعر كذا الكريم تراه ضاحكا جزلا وقلبه بدخيل الهم منفطر. اگر قرآن و سنت کے دلائل نہ سمجھ آتے ہوں تو موم بتی کو ہی دیکھ لو، اپنے سینے پہ آگ جلا کے لوگوں کو روشنی دیتی ہے. جو بطل آدمی ہوتا ہے دنیا جہان کی جیسی بھی باتیں ہوں، دل اس کا پھٹ رہا ہو غموں سے، لیکن وہ مسکراتا ہی نظر آتا ہے. اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر بہت بڑا گناہ ہے. ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتی لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. اللہ نے اس بات کی وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، عجز و انکساری میں برکت ہے، اور کوئی کسی پہ فخر نہ کرے، کوئی بغاوت نہ کرے، کیونکہ یہ فخر کرنا، یہ بغاوت کرنا خسارے کا سودا ہے. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ انسان کے اندر تکبر آ جائے. من ورائه جہنم، نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، یہ پانی کا حقدار نہیں ٹھہرایا جائے گا، جہنمیوں کی پیپ اس کو پلائی جائے گی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خسارہ بھی ہے بلکہ دنیا کے اندر بغاوت کی راہ ہے. سَيُصِيبُ أُمَّتِ دَاءُ الْأُمَمِ الْأَشَرُّ وَالْبَطَرُ وَالتَّكَاسُرُ وَالتَّشَاحُنُ فِي الدِّينِ وَالتَّحَاسُدُ وَالتَّبَاغُضُ حَتَّى يَكُونَ الْبَغِي. میری امت کو سابقہ امتوں کی بیماریاں آئیں گی جب تو پھر مصائب آئیں گے. کیسے؟ جب ان کے اندر تکبر آ جائے گا، بطر آ جائے گا، ان کا مقابلہ شروع ہو جائے گا کہ میں فلاں سے بڑھ جاؤں، ان کے دلوں کے اندر بغض و حسد ڈیرے جما لے گا. پھر ہوگا کیا؟ جس کی وجہ سے دنیا میں بغاوت پھیل جائے گی. اور یہی لوگ ہیں جب یہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں تکبر کرنے والے، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. مہر لگ جاتی ہے تکبر کرنے والے کے دل پہ، اب وہ کسی کی بات کو سمجھ بھی نہیں سکتا، وہ کوئی اچھی بات کو قبول بھی نہیں کرتا، کیوں اپنے دل پہ مہر لگا بیٹھا ہے. اور کہنے والے نے کہا تو ہے، سچی بات یہ ہے کہ ایک مہذب آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے بڑے بڑے کلمات کو چھوڑ دیتا ہے. کہنے والا تو کہتا ہے جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں.
कितने कम ज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे के चंद फूंकों से ही फूल जाते हैं। इंसान को इस बात की कोई खबर नहीं है कि मेरी हकीकत क्या है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने आगे कहा, सुना है तुम बड़े पढ़े लिखे हो और अपने आप को मुफ्ती समझते हो, बताओ चौंटी की चौंटी का चेहरा किधर होता है, आगे होता है कि पीछे होता है। فدخل غرفته فبكى بكاء مريرا। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब नहीं आया। कमरे में दाखिल हो गए और रोना शुरू कर दिया कि वाकई ऐ अब्दुल्ला तुम्हें तो इस बात का वाकई पता नहीं है कि चौंटी का जो चेहरा होता है वो जिधर चल रही होती उधर होता है कि पिछली साइड पे होता है। बात यह है इंसान को किसी मरहले में भी जाके ये बात कहना ये तसव्वुर बनाना उसके लिए लायक ही नहीं है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं बहुत बड़ी चीज हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया। इसलिए फरमाया कि जब इंसान तकब्बुर करता है तो ये है वो सबब नेक लोगों पे फिर शरीर लोग मुसल्लत हो जाते हैं। फरमाया इज़ा मशत उम्मती मुतयता ऐ बित्तबख्तुर व मद्दुल यदैन फिल मशी, जब मेरी उम्मत मुतयता चलना शुरू कर देगी, तबख्तुर करेगी चलते हुए और बाजुओं को खोल खोल के चलेगी, सुल्लित शिरारुहा अला खियारिहा, फिर इंतजार कर लो फिर शरीर लोग मुसल्लत हो जाएंगे। किन लोगों पर? नेक लोगों पर। अल्लाह हम सबको तकब्बुर से महफूज फरमाए। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकब्बुर तो इंसान को हलाक कर देता है। सलासु मुंजियातिन व सलासु मुहलिकात अम्मल मुंजियात फखशियतुल्लाह फिस्सिर वलअलानिया, तीन चीजें हलाक कर देने वाली हैं और तीन चीजें निजात देने वाली हैं। निजात देने वाली चीजों में से पहली चीज खशियतुल्लाह फिस्सिर वलअलानिया, जब इंसान के अंदर खशियत इलाही आ जाए, जलवत में है या खलवत में है, लोगों में बैठा है या अकेला है, हर हाल में अल्लाह का खौफ गालिब हो और समझे अना तहत रसद इलाही, मैं अल्लाह की रिडार के नीचे हूं, एक लम्हा भी जो भी कर रहा हूं सोच रहा हूं उसको अल्लाह जानता है। और हसन बसी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसी बात को बयान किया है, जब उनसे पूछा गया मैं सिर्रु ज़हदिक, इतने बड़े नेक और पारसा बने हैं कैसे बन गए, कहा राज हैं इसके, अलिमतु बिअन्न रिज़्क़ी लन याख़ुज़हु ग़ैरी फ़त्मइन्न क़ल्बी ला, लोगों को शायद भूल हो गई है, मुझे यकीन है कि मेरा रिज्क मैंने ही खाना है, मैं मुतमिन रहता हूँ, वो तो मिल के ही रहना है, इसलिए मैं दीन नहीं छोड़ता इस रिज्क के पीछे। अलिमतु बिअन्न अमली लन यकूम बिही गैरी फश्तगलतु बिह, लोग शायद भूले हुए हैं, मुझे तो यकीन है कि मेरा काम मैंने ही करना है, नमाज मेरी मैंने ही पढ़नी है, मैं ये नहीं कह सकता कि फलां भाई तुम जोर की मेरे हिस्से की नमाज पढ़ लो, तुम असर की पढ़ लो, मैंने ही पढ़नी है, मैं अपने काम में मगन रहता हूँ, मुझे कभी परेशानी नहीं हो। وَعَلِمْتُ بِأَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَيَّ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أُقَابِلَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ, मुझे यकीन है कि एक एक पल पे मेरा खालिक मुत्तले है, मैं डरता हूँ कि मैं अगर गुनाह कर रहा हूँ उस हालत में मौत आ जाए तो किस मुंह से अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा, इसलिए मैं गुनाह की तरफ नहीं जाता। وَعَلِمْتُ بِأَنَّ الْمَوْتَ يَنْتَظِرُنِي فَأَعْجَلْتُ الزَّادَ لِلِقَاءِ اللَّهِ, लोग भूल जाते हैं, मैं भूला नहीं हूँ, मुझे यकीन है मौत किसी वक्त भी आ सकती है, मैं हर वक्त मौत की तैयारी में लगा रहता हूँ। खशियतुल्लाह फिस सिर वल अलानिया वल अदल फिल गज़ब वर रिदा वल क़स्द फिल फ़क़्र वल ग़िना, निजात की राहें ये हैं, खशियतुल्लाह जहाँ भी हो अल्लाह का खौफ गालिब हो, निजात की राह ये है, तुम गुस्से की हालत में हो या तुम राजी बैठे हो, हर दो हालतों में अदलो इंसाफ को ना छोड़ो।
عدل و انصاف نہیں ہاتھ سے جانا چاہیے. والقصد فی الفقر والغنا, تم غریب ہو یا امیر ہو میانہ روی کو نہ چھوڑو, یہ ہے نجات کی راہیں. وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ فَهَوَنْ مُتَّبَعَ وَشُحٌ مُطَاعَ فَشُحٌ مُطَاعَ وَهَوَنْ مُتَّبَعَ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِ. ہلاکت کی بھی تین نشانیاں ہیں, ایک شخص ہو بخیل اور پھر کہے کہ میں بڑا اچھا کام کرتا ہوں, شُحٌ مُطَاعَ ہو بخیل اور کہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں, یہ ہلاکت کی راہ پہ جا چکا ہے. وَهَوَنْ مُتَّبَعَ ایک بندے کی ذاتی رائے ہو قرآن و سنت کے مخالف اور پھر کہے کہ مانا بھی اسے ہی جائے, یہ ہلاکت کی راستے راہ پہ چل نکلا ہے. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ اور جو شخص یہ کہہ دے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اس جیسا انسان جو کہتا ہے میرے جیسا ہے نہیں, اس جیسا کوئی ہلاک ہونے والا بھی ہے ہی نہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف فرمایا, تکبر کرنے والا, حق کو ٹھکرانے والا اور لوگوں کو حقیر جاننے والا تو ایسا ہے مالک الملک کے غضب کو دعوت دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تعظم فی نفسی واختال فی مشیتی لقی اللہ وهو علیہ غضبان, جو اپنے آپ میں بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو اور چال میں اختیال اور فخر پیدا کر لیتا ہے, اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس پہ غضبناک ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, یہ شریر ترین لوگوں کی نشانی ہے, بدترین خلائق ہیں یہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں. فرمایا, شرار امتی السرسارون والمتشدقون والمتفیہقون, میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں, کچھ پتہ نہیں زبان کیا بول رہی ہے, ہر وقت زبان چلانے میں لگے رہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے, کاش مسلمانوں کو یہ سمجھ آ جائے تو یہ اپنی زبان کی مصیبتوں سے بچ جائیں. اکثر ابن صیفی اس لیے کہا کرتے تھے, زبان کی حفاظت کرنے والا 4000 گناہوں سے بچ سکتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ تو زبان سارا دن چلتی ہے. فرمایا, ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار, ایک کلمہ بغیر سوچے سمجھے کوئی شخص بولتا ہے جس کی پرواہ نہیں کرتا, اس ایک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم میں 70 سال گہرا گر جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, السرسارون بدترین لوگ ہیں, والمتشدقون اور جان بوجھ کے منہ پھلا پھلا کے اپنی فوقیت ظاہر کرنے کے لیے باتیں کرنے والے بدترین خلائق. والمتفیہقون, قیل وما المتفیہقون, پوچھا گیا یہ متفیہقون کون ہیں, قال المتکبرون, تکبر کرنے والے بدترین خلائق. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے, اللہ اکبر, فرمایا, کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب, تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا. لینتہین اقوام یفتخرون بآبائہم او لیکونن اہون علی اللہ من الجعلان, اپنے والدین اپنے جاہ و نسب کے فخر سے باز آ جاؤ, وگرنہ اللہ تمہیں جعلان وہ کیڑا جو غلاظت میں رہتا ہے اس سے بھی بدترین بنا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف فرمایا, یحشر المتکبرون یوم القیامة کامثال الذر, قیامت کے دن جتنے تکبر کرنے والے دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی ہے نہیں, قیامت کو چونٹیوں کی شکل میں نظر آئیں گے, دنیا ان کو رونتی پھرے گی,
يساقون الى سجن في جهنم, इनको हांक कर ले जाया जाएगा जहन्नम की जेल की तरफ. يسمى بولس, उसका नाम بولس है. تعلو عليهم نار الانيار, सबसे सख्त तरीन आग इनके ऊपर होगी. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया يسقون من طينة الخبال عصارة اهل النار, और वहां जाके फिर इनको जहन्नमियों की पीप पिलाई जाएगी. तब जाके इनको होश आएगा कि तकब्बुर किसको करते हैं, तकब्बुर कैसे करते थे और कैसे अल्लाह मालिकुल मुल्क की मखलूक के साथ हमारे रवैये होते थे. तकब्बुर करने वाला ऐसा बदनसीब बन जाता है कि अल्लाह मालिकुल मुल्क उसकी तरफ नजर रहमत नहीं डालेंगे. सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाह वला यंदुरु इलैहिम यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम, तीन ऐसे बदबख्त हैं मालिकुल मुल्क उसकी तरफ नजर रहमत नहीं डालेंगे. उन तीनों में एक वो भी है आइलुन मुस्तकबिर, जिसके पास है भी कुछ नहीं फिर भी अकड़ के चलता है भी आइल फकीर और फिर भी तकब्बुर. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया यखरुजु उनुकुन नार यौमल क़ियामा, आग से एक गर्दन बाहर आएगी. लहू उज़ुनान यस्मअन वअयनान यबसरान वलिसान यंतिक, उस गर्दन में आंखें भी लगी होंगी जो देख रही होंगी, कान भी होंगे जो सुन रहे होंगे, जुबान भी होगी जो बोलती होगी. इमाम अल्बानी सहीहुल जामे में रिवायत लेके आए हैं यकूल, और बोल के कहेगी इन्नी वुक्किलतु बिसलास, आज तीन लोगों पे मुझे मुसल्लत किया गया है. सबसे पहला कौन है? बिकुल जब्बारिन अनीत, जो अपने आप को जाबिर समझता था और तकब्बुर करने वाला, आज मैं उसको सबक सिखाऊंगी. وبكل من دعا مع الله الا اخر, जो दुनिया में शिरक करता था आज मैं उसको सबक पढ़ाऊंगी. अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, इसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो वो जन्नत में नहीं जाएगा. قيل, कहा गया या رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة, हर बंदा ये चाहता है अच्छा लिबास हो अच्छी जूती हो. फरमाया अच्छा लिबास पहनना तकब्बुर नहीं है. इन अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील हैं जमाल को पसंद करते हैं. नई जूती पहनना और अच्छा लिबास पहनना ये तो तकब्बुर नहीं. अल किबरु बतरुल हक व गमतुन नास, तकब्बुर तो ये है कि हक बात को ठुकरा देना और लोगों को हकीर जानना, ये तकब्बुर है. लिबास ये जूती ये तो अल्लाह ताला की नेमत है. इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा अथरा निअमतिही अला अब्दी, अल्लाह तो पसंद करते हैं कि अल्लाह ने जिस बंदे को नेमत दी है वो नेमत का इजहार करे. बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने को ये नसीहत की थी. क्या फरमाया था? अलबिस जदीदा वाइश हमीदा व मुत शहीदा, पहनो तो नया लिबास पहनो, जिंदगी गुजारो तो तारीफ वाली, और जब तुम्हें मौत आए तो शहादत की मौत मांगना. और अल्लाह सुबहानहू व तआला ने उमर को तीनों बातें नसीब कर दी थी. एक वक्त तो था कि उमर ने 18-18 पैबंद लगाए, लेकिन अल्लाह ताला ने वो मौका भी दिया कि जब नए लिबास भी अल्लाह ने दे दिए, जिंदगी भी ऐसी दी सारी दुनिया तारीफ कर रही है. और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ भी कबूल कर ली, मदीनतुर रसूल में उनकी शहादत भी कबूल फरमा ली. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अल्लाह मालिकुल मुल्क फरमाते हैं अल किबरिया उरिदाई वल अज़मतु इज़ारी फमन नाज़अनी वाहिदन मिनहुमा क़ज़फ़्तुहु फिन्नार वफी रिवायतिन उख़्रा अल्क़ैतुहु फिन्नार. तकब्बुर मेरी चादर है, आज़मत भी मेरी चादर है, इन दोनों में से जो कोई मुझसे
छीनना चाहता है मैं उसको जहन्नम में फेंकूंगा। अल्लाह हम सबको तकब्बुर से महफूज फरमाए। सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फारक़ रूह जसद, जिसके जिस्म से रूह निकले, वहुवा बरीउम मिन सलास, और वो इंसान तीन चीज़ों से बरी हो, दखल जन्ना, वो जन्नत में जाएगा। वो कौन सी तीन चीज़ें हैं? अल-किबरु वद-दैनु वल-गुलूलु, तकब्बुर से महफूज हो, कर्ज से महफूज हो, और फ्रॉड और धोखे से महफूज हो। जब उसकी जान निकले इन तीन चीज़ों से अपने आप उसने बरी किया हुआ हो, ये जन्नत में जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इसी बात को सामने रखा, इसलिए सलमान रज़ी अल्लाह ताला ने से जब पूछा गया कि कौन सी ऐसी बुराई है, सुइल सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस बुराई के साथ नेकी का फायदा नहीं होता, ला तन्फ़ु मअहा हसना, कि जब वो बुराई हो जाए तो नेकी उस पर असरअंदाज नहीं होती। फरमाया जब तकब्बुर आ जाए तो फिर नेकी उस बंदे पे असर नहीं करती। इसलिए अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा, अन्नहु रआ रजुलन यख्तालु फी मिशयति फकाल इन्ना लिश्शैतान इख्वाना, एक आदमी को अकड़ के चलता हुआ देखा, फरमाया शैतान के भाई दुनिया में भी चलते फिरते नजर आते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में ही अजाब में पकड़ा जाता है, بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل به إلى يوم القيامة, एक आदमी अपने फाखिर लिबास में चल रहा था और अपने बालों को कंघी की हुई है और अपने आप में अतराता फिर रहा था। अल्लाह मालिकुल मुल्क ने ज़मीन से कहा कि इसको पकड़ लो, ज़मीन में धंसा दिया और क़ियामत तक वो धंसता ही चला जाएगा। ये बात 1400 साल पहले की है, 1400 साल पहले की हुई है, अभी तक वो धंसता जा रहा और क़ियामत तक धंसता ही चला जाएगा। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने यहाँ एक बात बयान की है, वो कहा करते थे, अरकानुल कुफ्र अरबा, कुफर से बचो और कुफर की राहों से भी बचो। कुफर इंसान में उस वक्त आता है जब चार राहों पे चल निकलता है, अल किबरु वल हसदु वल बुग्दु वल गदबु वश शहवा। जब इंसान तकब्बुर में आ जाए, शहवत के पीछे चल पड़े, हसद उसके दिल में डेरा जमा ले और उसके अंदर मुसलमानों के बारे में बुग्ज़ो इनाद आ जाए, ये कुफर के करीब बंदा पहुंच जाता है। अल्लाह सुबहानहु ताला हम सबको महफूज फरमाए और तकब्बुर की हलाकतों से बचाए, हमारे अंदर तवाज़ो पैदा फरमाए, वो तवाज़ो व इज़्ज़ो इनकिसारी पैदा फरमाए जिससे इंसान तकर्रुब इलाही हासिल करता है, वो कौल व फ़ेल नसीब फरमाए जिससे मालिकुल मुल्क राज़ी हो जाए। हमारी ज़ुबानों को भी अल्लाह तहज़ीब फरमाए, हमारे आमाल और अक़वाल की भी तहज़ीब फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त हमें नसीब फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उनकी बीमारी को शिफा में बदल दे, जो किसी मुसीबत में अल्लाह उनकी मुसीबत को खुशियाँ बना दे, जो किसी तंगी में अल्लाह उसकी तंगी को आसानियों में बदल दे, साहिब औलाद की औलाद को नेक बनाए और उसके दस्ते बाज़ू आँखों की ठंडक बनाए, सदका जारिया बनाए, और बे औलादों को भी अल्लाह मालिकुल मुल्क उनकी झोलियों को भी बारौनक बनाए, बेरोज़गार हैं उनको तवंगुर बनाए, साहिब माल के माल में बरकत फरमाए और उसको फितनों और आजमाइशों से बचाए, तक्वा नसीब फरमाए, मकरूज़ के गैबी ख़जानों से मदद फरमाए, जब तक रखे ईमान से रखे, जब बुलाए तो ईमान की खूबसूरत कैफियत में बुलाए। इस तरह आज हम अल्लाह के घर में जमा हैं, अल्लाह मालिकुल मुल्क हमें अपनी जन्नत में जमा फरमाए। أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم
وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. रात थोड़ी देर तशरीफ रखें। अभी इस मुकद्दस अल्लाह के घर में और इस मुबारक महफिल में आप मोहतरम शेख कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी हफ़ज़हुल्लाह व तवल्ला की ज़बानी कुरान व हदीस के फूल समात फरमा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये जो कुरान व हदीस की मजलिस है तो गोया के कुरान व हदीस के फूल आप पर बिखेरा जा रहा है, और आलम यह था कि जब छिड़ी बात रात फूलों की, जब छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बरात फूलों की, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। तो मोहतरम कारी साहब के जो आइंदा के प्रोग्राम हैं वो ये कि इंशाल्लाह 7 अप्रैल को बरोज़ जुमेरात बाद नमाज ईशा कुर्तुबा में मोहतरम कारी साहब का खुसूसी बयान होगा, तो आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि इसमें ज़रूर शिरकत फरमाएं। और इसी तरह आपका जो प्रोग्राम है खुतबे जुमा का वो मस्जिद नकाल अदवानी खैतान में है जो कि पाकिस्तानी स्कूल के बाजू में, और महामीद के सन्यान अलगानी में है। तो जो कि क्या है जो खैतान जदीद है जो कि मिसमार कर दिया गया, तो उसमें वो मस्जिद है जिसमें मोहतरम शेख अब्दुल खालिक साहब खुतबा देते हैं, तो आपका वहाँ पर इंशाल्लाह खुतबा जुमा होगा। आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि उसमें शिरकत फरमाएं। और इसी तरह जुमा के दिन बाद नमाज ईशा मस्जिद अब्दुल्ला अल उहैब सालमिया में जो कि इंडियन पाकिस्तानी स्कूल के पास है, तो इंशाल्लाह जुमा के दिन बाद नमाज ईशा वहाँ पर कारी साहब का प्रोग्राम है, उसमें शिरकत फरमाएँ। और इसी तरह आपका हफ्ते के दिन मस्जिदुल उतैबी फहाहिल में जहाँ पर शेख अब्दुल खालिक साहब का दर्स होता है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपका प्रोग्राम है। इन तमाम प्रोग्रामों में आप तमाम भाइयों से शिरकत की अपील है, और इंशाल्लाह बाद के प्रोग्रामों का इंशाल्लाह फिर ऐलान किया जाएगा। वो उसके ताल्लुक से कुछ जी जी वो इस ताल्लुक से कुछ 12 तारीख को जाने की बात कर रहे थे। हाँ, तो इंशाल्लाह वो बाद में उसके ताल्लुक से बात करते हैं। तो अब मोहतरम कारी साहब से गुजारिश है कि वो तिलावत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ولم يقتروا
وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سبحان الله.